राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में देपालपुर के महेश उर्फ कान्हा राठौर ने स्वर्ण पदक जीता। पदक जीतकर लौटे पहलवान का नगर में भव्य स्वागत किया गया। लोगों ने जुलूस निकाल कर दी बधाइयां। वहीं घर पहुंचने पर दादी ने आरती उतारकर मुंह मीठा कराया। नगर के बेटे महेश राठौर ने देपालपुर नगर का नाम एक बार फिर रोशन कर दिया, जब कान्हा राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश का पहला स्वर्ण पदक जीतकर अपने नगर देपालपुर पहुंचे तो नगर के इंदौर नाके से लेकर उनके घर तक पहुंचने तक जगह जगह भव्य स्वागत हुआ। वहीं लोगों ने फूलमाला पहनाकर उन्हें बधाइयां दी। वहीं जब कान्हा अपने घर पहुंचे तो उनकी दादी और उनकी बहनों ने आरती उतारकर आशीर्वाद देते हुए कान्हा का मुंह मीठा करवाया। वहीं नगर के लोगों ने बधाइयां दी। दरअसल झारखंड की राजधानी रांची में अंडर 15 राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप के 68 किलोग्राम ग्रीको रोमन स्टाइल में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए कृपा शंकर पटेल खेलकूद संस्था के महेश राठौर ने स्वर्ण पदक जीता है। कान्हा पहलवान ने फाइनल में उत्तर प्रदेश के गुलबहारी को 10-7 अंकों के आधार पर हराते हुए इस प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। गोल्ड जीतने पर मुझे बहुत खुशी है। मेरी सफलता का पूरा श्रेय मेरे पिताजी को है और मेरे कोचेस, जिन्होंने मुझ पर ध्यान दिया, मेरी बारीकियों को सही किया, मेरी गलतियां सुधारी, उन्हीं के आशीर्वाद से आज मैंने गोल्ड जीता है। मैं यह कहना चाहूँगा कि आप बस मेहनत करते रहिए, एक न एक दिन आपको जरूर सफलता मिलेगी। अद्भुत खुशी का पल है ये, और उसके साथ अद्भुत खुशी के साथ जो नगरवासियों ने स्वागत सत्कार किया है वो और भी सराहनीय है। बिल्कुल नगर का और पूरे मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है बालक ने, और ये उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ग्रीको रोमन स्टाइल में पहली बार मध्य प्रदेश को किसी ने स्वर्ण पदक दिलाया है। बिल्कुल बच्चों को किसी भी खेल एक्टिविटी में भेजना जरूरी चाहिए, उसका कारण ये है कि वो कहीं भी बुरी आदतों में नहीं जाता है, अच्छी संगत के साथ शरीर भी स्वस्थ रहता है और संस्कार भी सही मिलते हैं।